अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं आज फिर आपके सामने एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आजकल लोग कर रहे हैं कि सफ़र सब खेल रहे हैं, मैं शायद कोशिश करूँगा आपको साइट पर ये यानी कि इस पर स्क्रीन पर दिखाने की कि किस तरह यानी कि सफ़र सब करते हैं। मेरे पास बहुत से व्हाट्सएप यानी कि ग्रुप्स हैं, तो मैं आपको आज यानी कि एक वर्बली बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा कि कैसे लोग सफ़र सब कर रहे हैं। और अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका का इलीगल है और तरीका का ये लीगल भी है, लेकिन किसी हद तक। वीडियो शेयरिंग का ऑप्शन ये खुद यूट्यूब देता है, साइड में यूट्यूब का ऑप्शन आता है शेयर का, तो शेयर का इसका मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन शेयर हम करते चले जाएँ करते चले जाएँ करते इतना ज़्यादा कि हम अपने वीडियो या अपना कंटेंट पर जो है ना वो हम अपना फोकस करने के बजाय वीडियो ही सिर्फ शेयर करने में हम टाइम ना सर्व कर दें। तो यूट्यूब शेयर करने का ऑप्शन रखता है देता है, लेकिन हम इतना भी ज़्यादा कर देते हैं कि हमारे वो चैनल पर बैड इफ़ेक्ट डाल देता है। लेकिन जो है हमें कर लेना चाहिए जो है ना वो क्या कहते हैं सफ़र सब, सफ़र सब से क्या होता है, तो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा कि सफ़र सब नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि सफ़र सब करना चाहिए। मकसद मेरा दोनों वीडियोस बनाने का नहीं है, लेकिन अभी जो मेरे पास एक पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, वो ये है कि सफ़र सब कर लेना चाहिए जो बिल्कुल न्यू यूट्यूबर्स हैं, जिनके पास अभी 10 15 या 20 30 40 या 100 100 व्यू वो सब्सक्राइबर हैं, तब तक व्यू जो है ना आपको सफ़र सब कर लेना चाहिए। क्यों? अगर सफ़र सब करते कैसे हैं, अगर मैं किसी को एक अपनी जो है ना वो लिंक सेंड करूँगा, वो मुझे अपना लिंक सेंड करेगा, मैं उसकी वीडियो देखूँगा, थोड़ी सी इनका 5 सेकंड देख ली या 10 सेकंड देख ली, साथ ही उसके स्क्रीनशॉट लूँगा स्क्रीनशॉट लूँगा उसके चैनल को सब्सक्राइब करने का और उसकी यानी कि वीडियो वॉच करने का। इलीगली तरीका देख लो कि थोड़ी सी आगे करके जो है ना वो ले लिया स्क्रीनशॉट के मैंने आपकी हाफ वीडियो देख लिया, तो उसको सेंड किया व्हाट्सएप पर, उसने मुझे सेंड किया, इसका मतलब एक उसको व्यू मिल गया, सब्सक्राइब मिल गया, एक मुझे सब्सक्राइब मिल गया। लेकिन दोबारा नेक्स्ट अगर जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे तो वो आप वो भी एक यूट्यूबर, आप भी एक यूट्यूबर हो। यूट्यूबर बहुत कम वीडियो देखते हैं वो इस तरह, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1000 चैनल से ज़्यादा सब्सक्राइब कर चुका हूँ, और मैं सबकी तकरीबन वीडियोज़ देखता हूँ, कोशिश करता हूँ वीडियो देखता रहूँ, तो कभी कभार स्किप हो भी जाती हैं 1000 चैनल की वीडियोज़ देखना, तो वो फिर मैं सारा दिन यही काम लगा रहा हूँ। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अगर आप एक 200 चैनल आप इस तरह यानी कि सफ़र सब खेलते हैं, तो आपको कम से कम 20 या 30 व्यूज़ तो ओरिजिनल वाले मिलेंगे ना। ओरिजिनल वाले मतलब सभी ओरिजिनल होंगे, लेकिन सफ़र सब के होंगे, यानी कि वो एक जो है नेचुरल व्यूज़ नहीं आए होंगे, नेचुरल सब्सक्राइब नहीं आएंगे हो नए नहीं आए होंगे, वो आप यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से ही आपने लिए होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दोबारा जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे तो 200 में से 200 बंदा तो नहीं आपकी वीडियो देखेगा, लेकिन 20 30 40 50 तो आपकी वीडियो देखेंगे। तो अगर आपकी वीडियो पर हर वीडियो पर 20 30 40 50 व्यूज़ आएँ, तो आपकी वीडियो पुश होने के चांसेस होते हैं, खुद बहुत आएँ, लिंक शेयर से नहीं, लिंक शेयर से जो आएँ वो आपके जितने आने हैं आपने लेके आने हैं। लेकिन अगर जब आपकी वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड करे तो वो आएँ, जब व्यूज़ आएँ 40 50 तो वो ओरिजिनल व्यूज़ होते हैं, और आपकी वीडियो जो है ना वो आगे पुश होने के, लोगों के आगे वायरल होने के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसका थम इम्प्रेशन उसका बढ़ता है, और इम्प्रेशन उसका यूट्यूब इम्प्रेशन बढ़ने में उसके चांसेस होते हैं। तो अगर आपको ये थोड़ी सी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में।